नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन में जो पहले पढ़े हुए हैं दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u = 1/f, इसको सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने के बारे में सीखेंगे। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। एक अवतल दर्पण मान लेते हैं M डैश, इसके पीछे यहाँ पर सिल्वर कर देते हैं जिसे रजतित सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह बाईं ओर रखते हैं, मध्य में क्या होता है ध्रुव होता है, इससे गुजरने वाला हम मुख्य अक्ष से खींच लेते हैं, जिसके आगे में हम फोकस एक रखते हैं F, और उतने ही दूरी पर F से P से जितना दूर F रखें उतने ही दूरी पर क्या रखते हैं C, क्योंकि इससे पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं R = 2F। अब इसके बाद एक वस्तु AB रखते हैं मुख्य अक्ष पर, AB सीधा रखते हैं ऊपर की ओर, और गोलीय दर्पण या कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, हमें प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसकी स्थिति या आकृति प्रकृति दिखाने के लिए हमें मिनिमम दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो A से पहली किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, AN ये आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है, तो ये परावर्तित किरण हो गई। उसके बाद एक दूसरी किरण लेंगे और दोनों किरणें परावर्तन के बाद जहाँ मिलेंगी वहीं पर A का प्रतिबिंब होगा, तो दूसरी किरण हम लोग ले लेते हैं ध्रुव की दिशा में। ये ध्रुव के AP ध्रुव के दिशा में आपतित किरण है, यहाँ पर आपतन कोण बनेगा क्योंकि यह मुख्य अक्ष यहाँ इसके लिए अभिलंब का काम करेगा P के लिए, तो P पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना आपतन कोण बनाती है उतना ही परावर्तन कोण बनाकर क्या होती है लौट जाती है। तो ये P इस रूप में लौट रही है, तो यहाँ पर दोनों किरणें कट रही है परावर्तित किरणें, यहीं पर हमारे वस्तु का क्या मिलेगा प्रतिबिंब मिलेगा, ये A' मिलेगा, इसको लंबवत हम मुख्य अक्ष पर ड्रॉ करते हैं तो हमें B' मिलेगा, तो हमें प्रतिबिंब A'B' प्राप्त हुआ वस्तु AB का। अब ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा भी है। हमें अब क्या करना है कि पहले समझ लीजिए ये दूरी, तो सभी दूरियों को कहाँ से मापते हैं ध्रुव से P से, ये ध्रुव का कार्य कर रहा है, तो P से फोकस F तक के दूरी को हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी F, और P से प्रतिबिंब यहाँ बना है A के नीचे, तो ये होगा हमारा प्रतिबिंब दूरी V, और इसी P से वस्तु रखे हैं यहाँ पर तो वस्तु तक के दूरी को लिखते हैं U से। ये सभी दूरी दर्पण के सामने में इधर आपतित किरण के विपरीत जाके माप रहे हैं, इसलिए सभी दूरी क्या लेंगे ऋणात्मक होंगे, माइनस में होंगे। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कौन सी ट्रिक, तो दो त्रिभुज को हम लोग समरूप करने की कोशिश करेंगे, दो त्रिभुज को समरूप कर लेंगे, और समरूप जब कर लेंगे तो उनके जो समान कोण है उनकी सम्मुख भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ हम त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज A'B'P में कोण AP B बराबर कोण A'
पी बी डैश ए डैश पी बी डैश ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मुख्य अक्ष अभिलंब का ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अब दूसरा कोण लेते हैं ये वाला तो कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी क्यों क्योंकि ये समकोण है लंबवत है वस्तु लंबवत रखे हैं प्रतिबिंब भी लंबवत मिला तो ये कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी क्या होगा बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा किसके त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें हम एक भुजा ये लेंगे यहां पर क्या है ए बी खड़ी भुजा ये सीधा ऊपर की ओर और उसके संगत में क्या है ये नीचे की ओर ये भी खड़ी भुजा है मुख्य अक्ष पर तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर पटभुजा लेंगे पहले वाले त्रिभुज का ए बी पी वाले का और ए डैश बी डैश पी वाले का इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं इस त्रिभुज का तो खड़ी भुजा बटा में खड़ी भुजा उसके बाद ये पटभुजा तो कौन है पी से बी ऊपर वाले में लिए हैं बड़ा वाला त्रिभुज इधर वाला तो पी बी अब बटा में पी से कहाँ तक जाएंगे तो दूसरा त्रिभुज तो यहीं तक है तो पी बी डैश ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ए बी ये एम एम सॉरी एन पी ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है मुख्य अक्ष और ये आपतित किरण क्या है समांतर है तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या ए बी के जगह पर हम लिख सकते हैं एन पी बाई ए डैश बी डैश बराबर पी बी बाई पी बी डैश क्यों क्योंकि ए बी बराबर होगा एन पी के ये हमारा हो गया एक नंबर इसको मान लेते हैं। उसी तरह से एक और त्रिभुज दो त्रिभुजों को हम लोग समरूप करेंगे एक पालस ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप किए दूसरे वाले में देखिए ये छोटा सा ये त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में ऐसे कट रही है ये वाले तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे क्यों क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब चलते हैं त्रिभुज किसमें ए डैश बी डैश और एफ और इसी के सीधा में इधर त्रिभुज एन पी और क्या एफ में तो कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण जो शीर्षाभिमुख है तो क्या लिखेंगे एन एफ पी क्यों क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब दूसरा कोण जो पहले यहाँ समकोण वाला तो ये भी समकोण है यहाँ पर तो कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कोण एन पी एफ क्योंकि समकोण है। इस प्रकार तीसरा कोण भी क्या होगा इनको आपस में बराबर होंगे। अब
दो कोण जब बराबर हो गए त्रिभुज के, दो त्रिभुज के, तो तीसरा कोण भी बराबर है, तो इसका मतलब कि ये भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एन पी एफ। अब ये समरूप हो गए तो इनके भी संगत भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। उसी प्रकार से तो इसके इन दोनों त्रिभुज के संगत भुजा, तो खड़ी भुजा पट भुजा इससे करेंगे, तो खड़ी भुजा इसका क्या है, इस त्रिभुज का एन पी बटा में क्या होगा ए डैश बी डैश, ये है, ये त्रिभुज लिए तो छोटा वाला और ये इधर वाला, तो और इधर क्या होगा पटभुजा में इसका क्या है, तब बी एफ बी से बी डैश सॉरी बी डैश से एफ, तब ये तो नीचे वाला है दूसरे त्रिभुज का है, पहले इस त्रिभुज का लिखेंगे, क्या लिखेंगे पी से एफ, पी एफ अपॉन किसका बी डैश एफ, ये हमारा दूसरा हो गया समीकरण। अब पहले और दूसरे के क्या देखते हैं कि ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों में एक ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का एक ही है, इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक एवं दो से क्या होगा, दोनों का राइट हैंड साइड जो है बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे पी बी बाई पी बी डैश बराबर पी एफ बटा में बी डैश एफ। अब सभी दूरी तो कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, तो ये तो ठीक है पी से बी, पी से बी डैश, पी से एफ, लेकिन ये क्या है बी डैश एफ है, तो पी बी बाई पी बी डैश बराबर पी एफ, इसको क्या कर लेंगे, तो इसको ये देखिए पी से इसका तुलना करेंगे, तो पी से बी डैश में से पी से एफ घटा लेंगे तो ये बच जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ, पी से पी हट जाएगा तो क्या बचेगा बी डैश एफ बचेगा। अब इनका मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो सभी मान क्या रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ मान रखने पर, तो यहां P से B, देखिए यहां P से B क्या है U है, वो भी माइनस, क्योंकि इधर है तो सब माइनस, सब माइनस होगा या अवतल दर्पण में। उसके बाद P से B डैश, P से B डैश, तो P से B डैश को क्या लिखेंगे, P से B डैश क्या है V है, तो ये भी माइनस V बराबर P से F, तो P से F फोकस दूरी, तो इसको लिखेंगे माइनस F, क्यों माइनस, क्योंकि सभी क्या है दर्पण के सामने है, तो इसका मान ऋणात्मक होता है। और P से B डैश, तो P से B डैश क्या लिया है माइनस V, और माइनस ये तो यहाँ का है, और P से F क्या है, तो P से F है यहाँ अभी लिए हुए है माइनस एफ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी अगर चाहेंगे तो एक बार में नहीं तो अगली बार में कैंसिल करेंगे, ये U बाई भी बराबर माइनस एफ, इधर ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो F माइनस क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, तो गुणा जब करेंगे तो क्या होगा U गुणे एफ माइनस भी, इधर क्या हो जाएगा माइनस भी एफ, इसको गुणा करके लाएंगे तो U एफ माइनस U भी बराबर भी एफ। अब थोड़ा सा ये माइनस इधर है, इसको इधर ले जाएंगे, इस माइनस को इधर ले जाएंगे, सबको प्लस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा U एफ ये इधर आएगा तो प्लस भी एफ, इधर बराबर में क्या आ जाएगा, इधर माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा यू भी।
अब ये हमारा आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब भाग देंगे यू वी एफ का, यू वी एफ से भाग देने पर, तो भाग देने पर क्या होगा, यू एफ है बटे में क्या कर लेंगे, यू वी एफ प्लस वी एफ है बटे में क्या कर लेंगे, यू वी एफ बराबर इधर क्या है, यू वी बटे में क्या कर लेंगे, यू वी एफ। इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, तो यू कैंसिल होगा, एफ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, वन बाई वी प्लस इसमें क्या कैंसिल होगा, वी कैंसिल होगा, एफ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, वन बाई यू इक्वल टू इसमें क्या कैंसिल होगा, यू कैंसिल होगा, भी कैंसिल होगा, यू भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन बाई एफ। हमारा सूत्र गोलीय दर्पण का आ गया, ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण एक बटा भी प्लस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ आराम से सिद्ध किए। इसमें करना क्या है, बस एक वस्तु रखना है, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ वस्तु रखे हैं केंद्र के बाहर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनना चाहिए। अब एक किरण समांतर लेंगे जो फोकस है, दूसरी किरण लेंगे पी के, और उतना ही कोण बना के इसको कर लेंगे परावर्तित। उसके बाद ये सभी जो है दूरी देख लेंगे, वस्तु तक है तो यू, प्रतिबिंब है तो भी, और फोकस है तो एफ, और सभी दूरी का वहाँ पर मान क्या रखना है, माइनस में रखना है। और उसके बाद दो त्रिभुजों का, एक वस्तु और एक प्रतिबिंब वाला, इसका समरूप कर लेंगे, फिर एक प्रतिबिंब और एक दूसरे साइड में इधर जो दर्पण के करीब में जो बन रहा है उसका जो है आपस में त्रिभुज को समरूप करके, और समरूप के खड़ी भुजा, पटभुजा, ये संगत भुजाओं को जो है आपस में बराबर करके, और दोनों इक्वेशन को हम जो प्राप्त करेंगे वहाँ पर फिर मान रख लेंगे। मान रखने के बाद उसका सभी जो है पी से मान लेंगे, अब पी से मान लेने के बाद यहाँ मान रखा जाएगा, मान रखने के बाद जो गुणा भागा करने के बाद सबको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे दाएं बाएं करके, और लास्ट में वी एफ से भाग दे देंगे, हमारा सूत्र आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम लोग उत्तल दर्पण से भी सिद्ध कर सकते हैं। उधर अभी छोड़ देते हैं, कुछ इसका हिस्सा हमारे इस सिद्ध में भी काम आ जाएगा, बाद के जो है पद जो है सेम आते हैं, तो उधर अभी छोड़ देते हैं। अब जो है इसका जो है उत्तल दर्पण में सिद्ध कर देते हैं। तो उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, ये हुआ उत्तल दर्पण, एम एम डैश यहाँ पर क्या है, ध्रुव, फोकस तो इसका पीछे चला जाएगा, वक्रता केंद्र भी इसका पीछे चला जाएगा। इधर जो है वस्तु रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखे क्या, ए बी, ये इसका शीर्ष है। वही सेम काम इसमें भी करेंगे, यहाँ से एक समांतर किरण लेंगे, समांतर किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ए एन यहाँ लिए, और ये परावर्तित होगी मान लेते हैं डी के रूप में, क्योंकि सी ले चुके हैं यहाँ पर। अब दूसरा लेते हैं यहाँ पी के दिशा में, तो पी के दिशा में लेते हैं तो इसका परावर्तन तो कैसे होता है, मुख्य अक्ष के साथ जितना आपतन कोण बनाती है उतना ही परावर्तन कोण बनाकर लौट जाती है, तो ये इस रूप में परावर्तित होगी। लेकिन अभी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें तो पीछे की ओर ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों परावर्तित किरणें आगे फैलती जा रही है, अपसरित हो रही है, मिलने की संभावना नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर ड्रा करेंगे। अब पीछे यहाँ पर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, सीधा है, और क्या है, काल्पनिक है, इसलिए इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब को कैसे दिखाते हैं, डॉट लाइन से, तो ये ए डैश ही बनेगा, और ये नीचे में क्या होगा, बी डैश,
ये हमारा प्रतिबिंब बना। अब इसमें भी हमें त्रिभुज को क्या समरूपता दिखाना होगा, तो त्रिभुज को समरूपता एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ये और ये त्रिभुज दिखाएंगे, दूसरा ये त्रिभुज और उसके साथ यहाँ पर ये बनेगा ये त्रिभुज, इसको दिखाएंगे, इसमें भी समरूप दिखाना है। तो पहले जो चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ से मान इसको जो है P से F तक के दूरी को लिखेंगे F, P से ये वस्तु रखे हैं तो इधर लिखेंगे U, ये माइनस में होगा लेकिन ये क्या होगा प्लस में होगा, और यहाँ प्रतिबिंब है तो इसको लिखेंगे V, ये भी प्लस में होगा क्योंकि पीछे बन रहा है। अब ये त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ये है और ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे शीर्षभूमि से, तो पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, कोण ये वाला ए पी बी बराबर यहाँ मान दे देते हैं डी है ई, कोण बी पी ई क्योंकि आई बराबर आर, आई बराबर ई आर, उसके साथ साथ कोण बी पी ई बराबर कोण अभी ये वाला ये और ये देखेंगे तो शीर्षाभिमुख है, तो क्या लिखेंगे कोण ए डैश पी बी डैश क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसमें देखें कि ये और ये कोण जब एक ही मान है तो इसका मतलब कि यही चीज इसके बराबर है और यही इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, पहले वाले में भी यही कंडीशन हम लागू किए थे। उसके बाद कोण अभी ये लंब वाला ले लेंगे, तो कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, अब इन दोनों से हमें जब दो कोण इस त्रिभुज में ये वन और ये टू ये इधर से आ रहा है और ये इधर से त्रिभुज है, ये कोण इसके बराबर किए फिर ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या हो गए बराबर हो गए, अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो वही खड़ी भुजा का अनुपात और फिर पट भुजा का, तो क्या लिखेंगे ए बी बाई ए डैश बी डैश बराबर पट भुजा क्या होगा पी बी बटा में पी बी डैश, सेम वैसे ही है ये समीकरण क्या होगा एक, इसके जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं जो पहले वाले में किए थे कि ए बी एन पी के बराबर हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं एन पी बटा में ए डैश बी डैश बराबर पी बी बाई पी बी डैश, ये समीकरण एक मान लेते हैं, क्यों क्योंकि ए बी बराबर होगा एन पी के, क्यों बराबर होगा क्योंकि ये भुजा आपस में क्या है समांतर है और ये दोनों क्या है लंब है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुजों को समरूप करना है, एक बार इसका किए फिर एक बार इसी प्रतिबिंब का किसके साथ करेंगे तो इस वाले त्रिभुज के साथ करेंगे, तो ये त्रिभुज क्या है ये प्रतिबिंब का बना हुआ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एवं त्रिभुज यहाँ से चलेंगे जो उसमें लिए थे एन पी एफ में, तो इसमें देखिए तो इसमें ये कोण और ये कोण ये यहाँ पर है, अभी इसको देखिए ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा,
जब ये और ये कोण दोनों बराबर हुए, ये यहाँ पर उभयनिष्ठ है, अगर देखा जाए तो एन एफ पी ए डैश एफ बी डैश ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो रहा है, दोनों त्रिभुज में, तो क्या कर सकते हैं, कोण एन पी एफ बराबर कोण ए डैश सॉरी एन एफ पी, एन एफ पी और कोण ए डैश एफ बी डैश, क्यों, क्योंकि ये कहीं कोण है, पहले छोटा सा नाम दिया गया है फिर उसके बाद बड़ा नाम दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, उभय निष्ठ, दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है। उसके बाद कोण एन पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। इसमें भी ये क्या था, समकोण, यहां पर ये कोण जो है क्या है, समकोण है, पहले वाले के लिए इसमें भी समकोण है। अब ये जब दो कोण आपस में बराबर हो गए त्रिभुज के, दो त्रिभुज के, तो वो त्रिभुज तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, और ऐसे स्थिति में क्या होते हैं, त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते जब तक भुजा ना आए, तो समरूप कह सकते हैं। तो त्रिभुज कौन, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ बराबर त्रिभुज सॉरी समरूप त्रिभुज एन पी एफ। अब इसके भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, तो खड़ी भुजा क्या है, एन पी, और इसकी खड़ी भुजा क्या है, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, पट भुजा क्या है, तो पट भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक पी एफ, अब बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ से ये बी डैश एफ, ये हमारा दूसरा हो गया। तो देखिए ये पहले के जैसा भी है, पहले वाले में ये बराबर आया था फिर ये बराबर आया था, तो यहाँ पर अब जो है जब दो पहला और दूसरा समीकरण, तो फिर उसी तरह का जो अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे वैसा ही चलेंगे समीकरण, या तो फिर से लिख सकते हैं या नहीं तो पुराने वाले हम बोले कि उस समय जो क्या आ जाएगा, ये हमारे उपयोग में आ जाएगा। तो यहाँ पर या तो फिर से हम लिख देते हैं, शुरू के बस कंस्ट्रक्शन और समरूप लाकर अनुपात तो बराबर आएंगे दोनों में, उसके बाद बाकी के आगे की क्रिया जो है दोनों के लिए, चाहे उत्तल दर्पण लेते हैं चाहे अवतल दर्पण, दोनों में आगे सेम प्रक्रिया है। यहाँ क्या लेंगे, समीकरण एक एवं दो से, तो समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक में क्या है एन पी बटा में ए डैश बी डैश, दो में क्या है एन पी बटा में ए डैश बी डैश, दोनों इसके बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बायां साइड एक ही है तो दोनों के दायां साइड अलग अलग है लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, पी बी बाई पी बी डैश बराबर पी एफ बटा में बी डैश एफ। अब यहाँ फिर हो गया कि इसको तो हमें P से लेना पड़ेगा, तो वहीं सेम करेंगे, पी बी बाई पी बी डैश बटा में ये बराबर पी एफ बटा में इसको तोड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें यहाँ पर बी डैश है वो बाहर था, तो ये क्या करेंगे, पी एफ में से पी बी डैश घटाएंगे, पी एफ में से पी बी डैश घटाएंगे, तो पी एफ कट जाएगा एफ बी डैश बच जाएगा, पी पी कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, अब इसका मान रखेंगे, तो मान रखेंगे किसके साथ, चिन्ह के साथ, तो इसमें थोड़ा, उसमें सभी चिन्ह क्या थे, माइनस थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यू ही केवल माइनस होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्लस होंगे। तो चिन्ह के साथ
मान रखने पर, पी से बी, देखिए पी से बी क्या होगा माइनस यू, पी से बी डैश मतलब प्रतिबिंब दूरी क्या होगा प्लस भी, बराबर पी से एफ फोकस दूरी किसमें प्लस में एफ, और पी से एफ प्लस में एफ माइनस पी से बी डैश, तो ये भी क्या होगा प्लस में भी होगा, माइनस यू बाई भी बराबर क्या हुआ एफ बाई एफ माइनस भी। अब इसका गुणा कर लेंगे तिरछा, तो क्या होगा माइनस यू गुणे एफ माइनस भी, इधर क्या हुआ भी एफ, तो क्या हुआ माइनस यू एफ, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा यू भी, बराबर इधर क्या हो जाएगा भी एफ। अब सबको लास्ट में प्लस में कन्वर्ट करना है, तो जो जिधर है उधर रखेंगे, जो माइनस है उसको बदल लेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा यू भी, इधर हो जाएगा भी एफ और प्लस में यू एफ, या तो इसको इधर उधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का है। लास्ट में क्या करते हैं जब सब प्लस हो गया तो यू भी एफ से भाग देते हैं, यू भी एफ से भाग देने पर तो क्या लिखेंगे यू भी बाई यू भी एफ बराबर भी एफ बाई यू भी एफ प्लस यू एफ बाई यू भी एफ, सब में भाग देंगे, इसमें क्या कैंसिल होगा यू भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा वन बाई एफ, इसमें भी और एफ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा वन बाई यू, प्लस इसमें क्या बचेगा वन बाई भी। अब इसको अरेंज अपने अनुसार से कर सकते हैं, वन बाई एफ इक्वल टू, क्योंकि प्लस में क्रम बिन में नियम का पालन होता है, तो एक बाई भी प्लस एक बाई यू ऐसा भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी सूत्र होता है, यानी टोटली दाएं का बाएं बाएं का दाएं करेंगे तब भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वन बाई भी प्लस वन बाई यू बाई वन बाई एफ, इसके बराबर इस तरह से लिखा जा सकता है, दोनों रूप में सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम दोनों दर्पण में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण दोनों दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं, आपको जिसमें सहूलियत हो। अगर परीक्षा में अवतल या उत्तल दर्पण नाम खोल के कहे तो हमें दोनों का ज्ञात रहना चाहिए, दोनों में लास्ट में तो समान है, शुरू में कुछ ट्रिक्स है उसको ध्यान रखना है, समरूप करना है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि शीर्ष अभिमुख करके इसको समरूप करेंगे, फिर इसके बाद इसमें उभयनिष्ठ करके करेंगे, उसमें क्या था परावर्तन अपवर्तन के जो उभयनिष्ठ किए थे, तो दोनों में आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं, और लास्ट में यूवीएफ से भाग देना है, चिन्ह को साथ में रखते हुए हमें मान रखना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, बिना चिन्ह के साथ मान नहीं रखेंगे, चिन्ह लगाकर ही मान रखेंगे, तो इस तरह से हम आराम से दर्पण सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो से आराम से अब सीख गए होंगे कि गोलीय दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, और इसको एक दो बार अपने से पेज पर बिना वीडियो देखे एक बार देख के दो बार देखकर और अपने से पेज पे या बोर्ड पे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, दो तीन एक दो जगह केवल मेमोरी में याद रखना है कि हमें आगे क्या करना है, आराम से इस चीज़ को आप सिद्ध कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।